दिस इज रामिया एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेकंड चैप्टर का यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज रिवीजन ऑफ सेकंड चैप्टर। ठीक है, चैप्टर सेकंड का फार्मूलाज का और उसके कुछ डिफिनेशंस हैं उनका रिवीजन यानी कि उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं और उस फार्मूलाज और डिफिनेशंस को और उस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चैप्टर सेकंड का फर्स्टली क्या करते हैं देखते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं और इसके बाद में इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए हैं उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या अपन फर्स्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ही गुड किसके सॉइल के मिट्टी के। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सॉइल इसमें पहला पॉइंट देखा था हमने वाइट रेशियो। ठीक है, वाइट रेशियो यानी रिक्तता अनुपात। तो वाइट रेशियो को डिनोट किया था ई से, फार्मूला था हमारा वीबी अपन वीएस, यानी वाइड रेशियो रिक्तता अनुपात को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वीबी यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि रिक्त स्थान के आयतन तथा सॉलिड के आयतन के अनुपात को कहते हैं रिक्तता अनुपात। दूसरा था पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी जिसे कहते हैं सरंध्रता, इसका फार्मूला था वीबी अपन वी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल के रेशियो को कहते हैं पोरोसिटी यानी रिक्तता नहीं पोरोसिटी यानी सरंध्रता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था पोरोसिटी हो गया यहां पर, उसके बाद देखो वाटर कंटेंट। ठीक है, या डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताया था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन से किसे डिनोट किया था एस से, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी आयतन के यानी जल के आयतन के तथा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी कि रिक्तता के आयतन के इसका दोनों का रेशियो था यानी वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था एयर कंटेंट। ठीक है, एयर कंटेंट क्या था, वी ए अपॉन वी वी यानी वॉल्यूम ऑफ एयर तथा वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अनुपात को क्या कहते हैं एयर कंटेंट, यानी कि एयर कंटेंट यानी कि वायु की मात्रा। ठीक है, हवा की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था वाइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, और नेक्स्ट एयर कंटेंट हो गया। अब अगर हम बात करें एस और एसी, इसके रिलेशन को ध्यान रखेंगे कि एस और एसी यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट को अगर ऐड करते हैं हम तो क्या मिलता है मुझे एक मिलता है वन, ये यूनिट के बराबर होता है वन के बराबर होता है। ठीक है, इसे ऐड करके एक बार देख लेते हैं कैसे बराबर होता है इसके, इस ये रिलेशन ध्यान रखना है क्योंकि आगे एग्जाम इसमें क्वेश्चन में यूज हो सकता है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है वी डब्ल्यू अपॉन वी वी प्लस वी एयर अपॉन वी वी, वी वी यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड कॉमन हो गया नीचे और ये दोनों ऐड हो गया तो वी डब्ल्यू प्लस वी वी सॉरी वी डब्ल्यू प्लस वी ए, ये दोनों क्या है, ये दोनों को ऐड करते हैं, ये सॉइल सैंपल है हमारा, ये सॉइल सैंपल है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया मान लेते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। तो इन दोनों के वॉल्यूम को जब ऐड किया जाता है तो क्या मिलता है वी वी मिलता है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड रिक्तता का अनुपात होता है। तो यहाँ पर वी वी अपान वी वी यानी इसका मतलब है यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है यूनिट यानी एक मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ रहा है परसेंटेज एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट यानी एन एस ए डिनोट करते हैं। ठीक, ये होता है वी ए अपान वी। ठीक है, परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर कंटेंट यानी जलांश। जलांश क्या होता है बताया था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि
वेट ऑफ वाटर यानी जल का भार तथा सॉलिड के भार के अनुपात को कहते हैं वाटर कंटेंट यानी जल अंश, ठीक है, जलांश। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज बताना है यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन में क्या होता है, जब मिट्टी यहां पर क्या है पार्शियली सेचुरेटेड है यानी कि पार्शियली सेचुरेटेड है, ठीक है, मिट्टी कैसी है, गीली है, ना तो पूर्ण रूप से सूखी है ना भीगी है, सॉरी ना सूखी है और ना पानी से भरी हुई है, यानी हवा इसके जो एयर वाइड्स हैं इनमें जल और पानी दोनों की मात्रा, सॉरी जल और हवा दोनों की मात्रा है, यानी कि S की वैल्यू यहाँ पर होगा कितना, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, यानी 1 नहीं होगा और 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 और 1 नहीं होगा यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा S की वैल्यू, ठीक है। अगर जब बात करें कि जब ये जो मिट्टी है सॉइल सैंपल है ये फुली सैचुरेटेड है यानी फुली सैचुरेटेड यानी पूर्ण संतृप्त है, यानी मिट्टी पूर्ण रूप से जो वाइट्स हैं इसके वाइट्स हैं जो पूर्ण रूप से क्या है, यहाँ पर जो मिट्टी के वाइट्स हैं जो पूर्ण रूप से किससे भीगे हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ जल की मात्रा है, जितने वाइट्स होंगे वहां पर जल की मात्रा होगी, तो यहाँ पर फुली सैचुरेटेड लेकिन यानी फुली संतृप्त है, फुली सैचुरेटेड यानी फुली संतृप्त है, तो S की वैल्यू जो होगी, S की वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है, याद रखेंगे S की वैल्यू होगी 1। अगर बात करें कि अगर मिट्टी पूर्ण रूप से सूखी है, यहाँ पर फुली सैचुरेटेड थी, यहाँ पर बता रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि फुली ड्राइड है, यानी मिट्टी पूर्ण रूप से सूखी हुई है, फुली ड्राइड है, तो सैचुरेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा, S की वैल्यू होगी 0। इन तीनों कंडीशन को ध्यान रखेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में बताया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को कहते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन, बट इसमें हमें जब हमें S की वैल्यू 0 मिलेगी तो हमें पता होना चाहिए कि मिट्टी कैसी है, ये पूर्ण रूप से सूखी हुई है। S की वैल्यू 1 मिल रही है तो इसका मतलब जो इसके वाइट्स हैं जो पूर्ण रूप से पानी में भीगे हुए हैं, मतलब पानी उनमें भरा हुआ है, जितने वाइट्स हैं उसमें जल की उनमें हवा की मात्रा कहीं नहीं है, केवल जल है, ठीक है, जल है, सॉलिड है। यहाँ पर फुली यहाँ पार्शियली सैचुरेटेड है यानी यहाँ पर मिट्टी और सॉयल और एयर तीनों चीजें अवेलेबल है, या इसको अगर बात करें कि इसका मतलब है यहाँ पर किस चीज का यहाँ पर मिक्सर है, सॉलिड और मिट्टी, किस चीज का मिक्सर है यहाँ पर जो सूखी है, सॉलिड और एयर का, ठीक है, सॉलिड और एयर का। अगर बात करें यहाँ पर कि फुली सैचुरेटेड है तो यहाँ इसका मतलब है सॉलिड और वाटर अवेलेबल है, ठोस और जल। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर यानी तीनों चीजें अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर हमें तीनों चीज अवेलेबल है। ध्यान रखेंगे एक बार इसका या तो इसको शॉर्ट ले लें या तो फिर नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी फार्मूले को एक साथ यहाँ पर जो भी सेकंड चैप्टर का है यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का है सभी फार्मूले को जो आगे यूज होने वाले हैं उनको इसमें एक साथ मेंशन करने वाले हैं, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अब देखने वाले हैं इमीडिएट, अभी तक देखा वॉल्यूम और वेट में जो रिलेशंस थे उनको देखे कुछ, ठीक है, कुछ रिलेशंस अब यहाँ पर देखने वाले हैं इमीडिएट के बारे में, ठीक है, इमीडिएट के बारे में, ठीक है, तो इमीडिएट में यानी कि इकाई भार, यूनिट वेट को बताया था गामा से डिनोट करेंगे और इसका बताया था फार्मूला क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट टू वॉल्यूम, यानी ये भार और आयतन यानी वेट और आयतन यानी वॉल्यूम का रेशियो होता है, ठीक है, वेट और वॉल्यूम का रेशियो होता है, इट इज डिफाइंड एज वेट एंड वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम, ठीक है, वेट टू वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पर
यूनिट वेट बताया था, सेचुरेटेड बताया था, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट यानी स्थूल स्थूल इकाई भार, ठीक है। सेकंड बताया था सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी संतृप्त इकाई भार, संतृप्त इकाई भार। नेक्स्ट बताया था सम्बद्ध यूनिट वेट, सम्बद्ध यूनिट वेट, ठीक है, सम्बद्ध यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, इसका मतलब कि बल्क यूनिट वेट है जो गामा बी से डिनोट करेंगे, ठीक है, गामा बी से डिनोट करने वाले इसे, और सैचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सैचुरेटेड से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है समज यूनिट वेट यानी गामा समज या गामा डैश से इसको डिनोट करेंगे, गामा समज या गामा डैश से डिनोट करने वाले। तो बल्क यूनिट वेट कैसा होता है, यानी कि जो वेट है सॉरी सैंपल का वेट और उतने की वॉल्यूम का मतलब सेम उसी का वॉल्यूम, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम। और यहां बात करें सैचुरेटेड का, तो ये सैचुरेटेड वेट यानी जो भीगी हुई मिट्टी है यानी फुली सैचुरेटेड है और उसी का वॉल्यूम। अगर यहां समज की बात करें तो यहां पर ये होगा सैचुरेटेड माइनस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। इसको डिफाइन करके एक बार पहले देख चुके हैं, ठीक है, बस यहां पर उसका खुद रिविजन कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, बताया था रिलेशन, अगर हम वाटर रेशियो सैचुरेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन और यूनिट वेट ऑफ वाटर और ये वाटर रेशियो यानी स्पेसिफिसिटी, इन सब में रिलेशन अगर पूछे कि गामा बल्क क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं जी प्लस की एस अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। अभी यहां पर ऐसा समझ लीजिए ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट इसको लिखेंगे ड्राई यूनिट वेट यानी शुष्क इकाई घनत्व, ड्राई यूनिट वेट इसको डिनोट करेंगे गामा डी से, ठीक है, ये गामा ड्राई से, ठीक है। अब यहां पर जैसा कि लिखा कि इसको गामा बी यानी बल्क यूनिट वेट इक्वल टू होता है जी प्लस टी एस अपॉन वन प्लस ई इनटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। सैचुरेटेड में क्या होगा, बताया है भी सैचुरेटेड जो होता है इसका मतलब एस की वैल्यू यहां पर वन होने वाली है, ठीक है, एस की वैल्यू वन होने वाली है, और यहां पर ड्राई में एस की वैल्यू होने वाली है जीरो यानी एस की वैल्यू यहां पर होने वाली है जीरो यानी मिट्टी रूप से सूख चुकी है, शुष्क इकाई घनत्व या शुष्क इकाई भार, ठीक है। बल्क में बताया एस की वैल्यू जो है जीरो और वन के बीच में रहेगा, ठीक है, जीरो और वन के बीच में रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे यहां पर। अब यहां पर एस की वैल्यू वन बोल दिया है तो इसी में क्या करेंगे, इसी जो गामा बल्क निकाला है इसी में एस की जगह पर वन पुट कर देंगे, किसमें, सैचुरेटेड यूनिट वेट में, तो एस की जगह पर वन पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या फॉर्मूला बन के आता है, जी प्लस ई एस के जगह वन पुट कर देना है तो ले सकते हैं वन या वन तो मल्टीप्लाई होता है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये हो गया जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर यानी कि जल का इकाई भार होता है, ठीक है, ये सेकंड फार्मूला निकल के आ गया, बल्क यूनिट वेट हो गया ये सैचुरेटेड यूनिट वेट। अभी यहां पर देखते हैं सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट में सैचुरेटेड तो निकाल दिया है ये, ठीक है, अब इसमें सैचुरेटेड के लिए सैचुरेटेड पुट कर देंगे और गामा डब्ल्यू उसमें से माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, ठीक है, घटाने के बाद में डायरेक्टली मैं यहां पर सबमर्ज यूनिट वेट लिख रहा हूं गामा सबमर्ज जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई इनटू गामा डब्ल्यू, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे या सिंपलीफाई करेंगे तो भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट में क्या बताया कि एस के जगह पर
जो एस की जगह पर हम एस पुट किए थे, इसी में एस की जगह पर जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन की जगह पर कितना पुट करते हैं, जीरो रख देते हैं। तो इसमें जीरो रख के देख लेते हैं क्या मुझे मिल रहा है, यहाँ पर जी प्लस ई इंटू जीरो, यानी यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो जी के और बचेगा अपान वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है, इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये हो गया ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला। अच्छा, ड्राई यूनिट वेट का एक और फार्मूला होता है जो कि बल्क यूनिट वेट के पद में होता है, ठीक। तो अगर इसको एक फार्मूला और लिख सकते हैं गामा ड्राई का, ड्राई यूनिट वेट का लिख सकते हैं गामा डी इक्वल टू गामा बी अपॉन वन प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में इनमें कुछ इंटररिलेशनशिप देख लेते हैं कि जैसे अभी तक यहाँ पर इसमें बल्क यूनिट वेट ने देख लिया और उसके अलावा भी कुछ होते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। इसके अलावा जो कुछ है इसमें रिलेशन वो है जैसे ES इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है, ये स्मॉल जी लिखते हैं तो ध्यान रखना है स्मॉल जी का मतलब इसका है ये वाटर कंटेंट है, जब कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू लिख रहे हैं इसका मतलब वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन चीजों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे, ठीक है, नहीं तो जहां जहां डब्ल्यू लिख रहे हैं वहां पर समझ में ना आ रहा हो कि कहीं कहां यूनिट वेट है, कहां पर वेट ऑफ वाटर नहीं वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये एक रिलेशनशिप हो गया। और इसके अलावा नीचा और ई यानी पोरोसिटी और सरंध्रता में रिलेशन देख लेते हैं। तो होता है इसमें नीटा इज इक्वल टू ई अपान वन प्लस ई, यहाँ पर नीटा क्या है पोरोसिटी है, ई क्या है वॉइड रेशियो है, इसी में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू नीटा अपान वन माइनस नीटा, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यानी कि अब जैसे यहाँ ES की जगह पर WG भी पुट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ES इक्वल टू WG होता है तो यहाँ पर WG भी पुट कर सकते थे। तो ये हो गए कुछ इंटर रिलेशनशिप ये, ठीक है। और अब इसके बाद में देख लेते हैं, अच्छा एक फार्मूला और छूट रहा है आईडी यानी कि डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स का फार्मूला। तो डेंसिटी इंडेक्स यानी कि सूचकांक घनत्व, ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स यानी सूचकांक घनत्व। इसमें बताया था ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपान ई मैक्स माइनस ई मिन। ई मैक्स यानी कि जहां पर वाइट्स की मात्रा जो है सबसे अधिक है, तो कहां पर वाइट्स यानी रिक्त स्थान किस मिट्टी में सबसे अधिक होते हैं, तो बता दें कि सबसे जो लूजेस्ट सॉइल होती है, ठीक है, जो लूजेस्ट सॉइल होती है वहां पर जो यूनिट सॉरी वाइड रेशियो होता है वहां पर सबसे अधिक होता है, यानी कि ये जो वाइड रेशियो है ये लूजेस्ट सॉइल के लिए है, लूजेस्ट सॉइल के लिए है यानी जो सबसे गीली मिट्टी है। और बात करें ई मिनिमम होता है ये डेंसेस्ट सॉइल यानी कि जो सबसे मिट्टी में दिया रहेगा। जो ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ई मैक्स कौन सा होगा, ई मिनिमम कौन सा होगा, ई नेचुरल कौन सा होगा, तो ध्यान रखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी गिवन होगा क्वेश्चन में कि वाइड रेशियो इतना इतना इतना, उसमें ये नहीं देगा कि कौन सा ई मैक्स है कौन सा ई मिन है, तो ध्यान रखेंगे जो बड़ी वाली सबसे वैल्यू होगी वाइड रेशियो में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो ई मैक्स होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ई मिन होगी, और जो दोनों के बीच की होगी वो ई नेचुरल की होगी, तो ठीक है। तो यहाँ पर लूजेस्ट सॉइल यानी जो सबसे ढीली मिट्टी है यानी कि उसमें सबसे ज्यादा वाइट्स है, उसमें ज्यादा सबसे रिक्त स्थान है, तो इसका मतलब वो लूजेस्ट सॉइल है, उसमें जो अगर उसका यूनिट उसका उसका वाइड रेशियो याद करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा वाइट आएगा, और जो सबसे कम आएगा इसका मतलब वो डेंसेस्ट है,
और ये नेचुरल, ये नेचुरल कंडीशन में, ठीक है, वॉइड रेशियो नेचुरल सॉइल। कैसा सॉइल है ये? नेचुरल है, यानी ना तो इसको डेंस किया गया है ना ही से ज्यादा लूजेस्ट है। इसके अलावा अगर कोई खाली टूट रहा है तो आगे भी क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में देखने वाले हैं अभी तक, जैसे कि दो से या चार क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ फार्मूला थे जो फेस डायग्राम के बेस पर कुछ क्वेश्चन थे जिसे कर चुके हैं, बट जरूरी नहीं है इसमें जैसे कि पॉलिटिक में ज्यादा न्यूमेरिकल आए, बट उसे जाना जरूरी है, ठीक है। हो सकता है कि पिछली बार न्यूमेरिकल नहीं आया था ज्यादा, हो सकता है इस बार ज्यादा न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, इसलिए न्यूमेरिकल को साथ में देखते चलेंगे, ठीक है, हर सिलेबस मतलब हर एक टॉपिक पर और एक चैप्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैविंग वॉल्यूम 180 सीसी एंड वेट 320 ग्राम, इसका इस तरह से ग्रेड भी दिया है 2.6, यानी कहने का मतलब है किसी मृदा प्रतिदर्श में उसका भार जो दिया गया है 180 सीसी यानी 180 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक, तथा वॉल्यूम दिया गया है 320 ग्राम, इसमें डिग्री इसका दिया है, विशिष्ट गुरुत्व दिया है यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है 2.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें पूछा है वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो यहां पर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या दिया है और उसके बाद में क्या क्या हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखना हो तो इसे लिख सकते हैं, ये सॉइल सैंपल हैविंग यूनिट वेट, सॉरी, ये सॉइल सैंपल हैविंग वॉल्यूम 180 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर एंड वेट और उसका भार 320 ग्राम यानी 320 ग्राम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, यहां पर लिख लेते हैं कि गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट है ये सॉइल सैंपल, एक सॉइल सैंपल दिया गया है जिसका भार दिया गया है, भार दिया गया है यानी W 320 ग्राम, ठीक है, एंड वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 180 सीसी यानी 180 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में और दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू भी दिया गया है, जी की वैल्यू गिवन है 2.6, ठीक है, जी की वैल्यू है 2.6, हमको ज्ञात करना है जो, तो यहां पर लिखेंगे फाइंड आउट यानी ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट क्या चीज, वाइड रेशियो यानी रिक्तता अनुपात याद करना है हमें, वाइड रेशियो याद करना है, पोरोसिटी यानी सरंध्रता याद करनी है, जलांश यानी वाटर कंटेंट याद करना है, नेक्स्ट है संतृप्ति स्पेसिफिक यानी सैचुरेटेड यूनिट वेट याद करना है, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट याद करना है, ये सब चीजें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और भी जो चीजें निकल सकती है उसको भी देख लेंगे, ठीक। अब यहां पर सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है,
वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब हमको बल्क यूनिट वेट यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। बल्क यूनिट वेट का फार्मूला यहाँ यूज होने वाला है, तो देख लेते हैं। यूनिट बल्क यूनिट वेट ज्ञात करते हैं फर्स्टली, क्योंकि वेट और वॉल्यूम गिवन है हमें, और वहीं से एक रिलेशन ऐसा ज्ञात कर सकते हैं जहां से कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, इन सब का यूज हो पाए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बल्क यूनिट वेट यानी स्थूल इकाई भार, बल्क यूनिट वेट यानी गामा बी। फार्मूला क्या होता है अभी देखा, जी प्लस ई एस अपान वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि गामा बी की वैल्यू पता है। ठीक है, गामा बी की वैल्यू पता है कैसे, वेट अपान वॉल्यूम। गामा बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान वॉल्यूम, यानी कि 320 अपान 180, 320 अपान 180। अब क्या करेंगे, यहां पर दो अननोन्स दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे नोन है, ये भी नोन है, जी की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू नहीं पता है, और एस की वैल्यू नहीं पता है, तो एक इक्वेशन में दो अननोन नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे हम यहां पर जी प्लस ई एस दो की वैल्यू की जगह पर ई एस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ES is equal to WG put कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नहीं लेकिन यहाँ पर fully saturated बोला है। ठीक है, soil sample में already बोला है ये fully saturated, यानी कि fully saturated बोला है यहाँ पर already, fully saturated soil sample है, ये fully saturated बोल दिया है, इसका मतलब यही से हमको ज्ञात पता हो गया कि S की value कितनी है, 1, क्योंकि बताया था कि fully saturated कहेगा तो 1 है, ड्राई पार्शियली सैचुरेटेड है तो यानी 0-1 के बीच में होगा, अगर ड्राई बोला है तो शुष्क है यानी कि एस की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ही पहले ही बोला है कि ये फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल यानी कि पूर्ण रूप से संतृप्त है तो एस की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यूज को, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, जी की वैल्यू में गिवन है 2.6 प्लस ई की वैल्यू गिवन नहीं है, हमको उसको कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, E की वैल्यू नहीं पता है लेकिन यहाँ पर गामा B की जगह पर 320 अपान 120 पुट करते हैं, 320 अपान 180। ठीक है, G की वैल्यू पता है 2.6 प्लस E की वैल्यू कितनी है नहीं है, हमको ज्ञात करना है। S की वैल्यू 1 क्योंकि फुली सैचुरेटेड है, अपान 1 प्लस E इंटू गामा W का वैल्यू हो गया यहाँ पर 1 ग्राम पर सीसी, यानी कि ये जितना आएगा ये है ग्राम पर सीसी में है। ठीक है, ग्राम पर सीसी में, क्योंकि जो वेट है वो ग्राम में है और वॉल्यूम है जो क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो इसलिए वेट होगा वाटर का 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 320 वन प्लस ई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 2.6 प्लस ई, कैलकुलेट कर लेते हैं, ई की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड रखते हैं, तो यहां पर कैलकुलेट करने के बाद में जो हमें वैल्यू मिल रहा है उसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 320 प्लस 120 into 2.6, तो 180 into 2.6 हो जाएगा 468 प्लस 180 e। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है उसको एक साइड रखते हैं और e वाले पद को इधर ले आते हैं। ठीक है, एक साइड, तो 320 माइनस 180 इक्वल टू हो जाएगा 140 e, और 468 माइनस 320 आ जाएगा 148। ठीक है, 148, तो e का वैल्यू यहां पर आ रहा है अपॉन 140। e का वैल्यू यहां पर आ रहा है 1.057। ठीक है,
ई की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1.057, तो यहाँ पर एक आंसर यानी वाइड रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, ठीक है, एक आंसर यहाँ पर हमें मिल गया। सेकंड देख लेते हैं अब यहाँ यहीं पर पोरोसिटी भी याद कर लेते हैं, क्योंकि वाइड रेशियो और पोरोसिटी में हमें रिलेशन पता है, ठीक। तो वाइड रेशियो हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी पोरोसिटी हो जाएगा ई अपान वन प्लस ई, ठीक है, ई अपान वन प्लस ई, वन के जगह ई के जगह को 1.05 पुट करेंगे, 0.57 अपान 1 प्लस 1.057, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 1.057 अपान 2.057, ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं अपान 2.057, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा जो पोरोसिटी का 0.5139, ठीक है, तो यहां पर 3 के जगह पर 4 कर देंगे और 3 डेसिमल तक जाएंगे, ठीक, तो यहां पर वैल्यू आ गया पोरोसिटी का 0.514, यानी सेकेंड आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अभी यहां पर पोरोसिटी और वाइड रेशियो को कैलकुलेट कर लिया, अब यहां बचा वाटर कंटेंट बच रहा है, ठीक है, तो वाटर कंटेंट ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, कौन सा फार्मूला, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो यहां पर हमको डब्ल्यू की वैल्यू यानी ये स्मार्ट डब्ल्यू में ध्यान रखेंगे, ठीक है, वाटर कंटेंट वाला, तो वाटर ई की वैल्यू पता है हमें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन फुली सैचुरेटेड तो 1 है, जी की वैल्यू पता है यहाँ पर, यानी कि डब्ल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा E, यानी E की वैल्यू पुट कर देते हैं E S अपान G, ठीक, तो E की वैल्यू कितनी है आई है अभी 1.057, तो यहां पर 1.057 इंटू S की वैल्यू 1, क्योंकि फुली सैचुरेटेड है मिट्टी, सॉइल सैंपल, और G की वैल्यू 2.6 गिवन है, तो डिवाइड कर देते हैं वाटर कंटेंट, देख लेते हैं कितना आ रहा है 1.0057 अपॉन 2.6, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 0.40, ठीक है, 0.406 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट यानी जलांश को भी ज्ञात कर लिया। अब क्या बच रहा है, बच रहा है डिग्री यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट बच रहा है, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेते हैं और उसको उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू होता है जी प्लस ई अपान वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, हमें पता है S की वैल्यू 1 पुट कर दिए हैं क्योंकि फुली सैचुरेटेड फॉर सैंपल दिया है, ठीक है, तो यहां पर पुट कर देते हैं वैल्यूज को, G की वैल्यू है 2.6 प्लस E की वैल्यू है 1.057 अपॉन 1 प्लस 1.057, ठीक है, और गामा डब्ल्यू की वैल्यू पता है हमें 1, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, तो 1 होगा। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां पर आ रहा है जो वैल्यू 2.6 प्लस 1.057 अपॉन 1 प्लस 1.057, ठीक है, तो यहां पर सैचुरेटेड यूनिट वेट की वैल्यू आ रही है, सैचुरेटेड यूनिट वेट की वैल्यू आ रही है गामा सैचुरेटेड, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 1.777 यानी 1.77 आ रहा है, तो लिख देंगे 1.778 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी, ठीक है, तो यहां पर यूनिट वेट को भी कैलकुलेट कर लिया, किसका, सैचुरेटेड यूनिट वेट को, अगर इन पर ड्राई भी बोलता तो ड्राई भी कर लेते, क्योंकि गामा ड्राई में होता है गामा बी अपान वन प्लस डब्ल्यू, तो गामा बी यानी बल्क यूनिट वेट पता है अपान वन प्लस डब्ल्यू, यानी उसका भी फार्मूला इस करके कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर काफी चीजें 1 2 3 4
चार पॉइंट यहां पर क्या किए, ठीक है, और फर्स्टली क्या किए यहां पर बल्क यूनिट वेट को दिख रहा था वेट वॉल्यूम, इसलिए बल्क यूनिट वेट का फार्मूला लगा दिए, इससे हमको E की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद में फार्मूला लगा दिए ईटा और E में, यानी वोर्सिटी और E में क्या रिलेशन था, उसके बाद में ES को जो ये भी रिलेशन हमें पता है, और उसके बाद में ये फार्मूला यानी सैचुरेटेड का सैचुरेटेड वेट का फार्मूला यूज कर दिया। तो ये सोच लीजिए जब फार्मूला याद रहेगा हमें, ठीक है, उनमें क्या रिलेशन होते हैं एक दूसरे में, तो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इजी है इसको ऑलरेडी कर लिया है ईमैक्स ईमेन, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन है कि बालू के किसी क्वेश्चन है बालू के किसी निक्षेप की प्राकृतिक स्थिति में सरलता, यानी ये पोरोसिटी दी गई है, ठीक, प्राकृतिक नेचुरल कंडीशन में पोरोसिटी गिवन है 40%, ठीक है। यदि इस बालू को प्रयोगशाला द्वारा निकाले गए अधिकतम तथा न्यूनतम शुष्क इकाई भार, ठीक है, शुष्क इकाई भार, हाँ यानी ड्राई वेट दिया गया है, निकाले गए अधिकतम और न्यूनतम शुष्क इकाई घनत्व दिया गया है 2.25 केजी ग्राम पर सीसी और 1.5 ग्राम पर सीसी, तो इसका सूचकांक क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको मैक्सिमम और मिनिमम ड्राई यूनिट वेट दिया गया है और नेचुरल भी दिया गया है, ठीक है। नेचुरल में क्या दिया गया है, पोरोसिटी दिया गया है, पोरोसिटी सबसे नेचुरल का वाइट रेशियो याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा बालू के किसी निक्षेप की प्राकृतिक है, नेचुरल कंडीशन में क्या गिवन है, पोरोसिटी गिवन है, नेचुरल कंडीशन में यानी प्राकृतिक स्थिति अवस्था में दिया गया है पोरोसिटी यानी सरंध्रता कितना 40% दिया गया है, ठीक है। और यहां पर दिया गया है प्रयोगशाला में दिए गए मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, शुष्क घनत्व मैक्सिमम तथा मिनिमम शुष्क घनत्व, यानी कि गामा डी मैक्स दिया गया है और गामा डी मिन दिया गया है, ठीक है। गामा डी मैक्स दिया गया है 2.25 ग्राम पर सीसी, 2.25 ग्राम पर सीसी, ठीक है, और मिनिमम जो दिया गया है 1.5 ग्राम पर सीसी, 1.5 ग्राम पर सीसी, ठीक। क्वेश्चन दिया है कि नेचुरल में, नेचुरल कंडीशन में प्राकृतिक अवस्था में दिया गया है पोरोसिटी, ठीक है, और उसके बाद में इसको प्रयोगशाला में उस बालू के सैंपल को जब गर्म करते हैं, ड्राई करते हैं, तो ड्राई कंडीशन में जो मैक्सिमम यूनिट वेट आ रहा है ये इतना आ रहा है 2.25, और जो मिनिमम आ रहा है, ठीक है, 1.15, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इसका, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.65 स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको पता और ज्ञात करना है घनत्व सूचकांक यानी डेंसिटी इंडेक्स, जो ज्ञात करना है, ये गिवन है हमें, गिवन है, दिया गया है,
अब याद जो करना है यानी फाइंड आउट करना है हमें, डेंसिटी इंडेक्स यानी घनत्व सूचकांक, यानी आईडी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आईडी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्या करेंगे, आईडी का फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि इसमें किन किन चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन में लिखेंगे डेंसिटी इंडेक्स आईडी इक्वल टू होता क्या है, लिखेंगे आईडी इक्वल टू ई मैक्स, ठीक है यही पढ़ा है ना, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिन। ठीक है, आईडी का ये फॉर्मूला है जो कि अभी हमने इसको देखा है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि कोई सॉइल सैंपल है या कोई बालू का सैंपल है, तो उसकी नेचुरल अवस्था में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, नेचुरल अवस्था में पोरोसिटी दी है, सरंध्रता दी गई है 40% और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 2.65। इस बालू के सैंपल को प्रयोगशाला में गर्म करने पर, इसको सुखाने पर कितना मिला है, गामा डी मैक्स मिला है यानी अधिकतम ड्राई इनलेट वेट दिया गया है 2.25 और जो मिनिमम ड्राई इनलेट वेट दिया है 1.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है डेंसिटी इंडेक्स पता करना है यानी शुष्क सूचकांक की डेंसिटी इंडेक्स यानी घनत्व सूचकांक की ज्ञात करना है। ठीक है, घनत्व सूचकांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ई मैक्स ज्ञात करना है, तो ई मैक्स ज्ञात करेंगे गामा डी मैक्स से और ई मीन ज्ञात करेंगे गामा डी मीन से और ई नेचुरल, जब नेचुरल पोरोसिटी दिया गया है तो नेचुरल वाइड रेशियो भी ज्ञात कर ले जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल वाइड रेशियो का हमको फार्मूला पता है, ई एन इक्वल टू नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा, यानी कि 40% दिया है, इसका मतलब कितना है 0.40 दिया है। ठीक है, तो 0.40 अपॉन 1 माइनस 0.40। ठीक है, तो E की वैल्यू हो जाएगी 0.40 अपॉन 0.60। ठीक, तो डिवाइड करके देख लेते हैं 0.4 अपॉन 0.6 कितनी वैल्यू आ रही है, आ रही है 0.667 यानी 666 करके वैल्यू आ रही है, तो 0.667 ले रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया E नेचुरल हो गया जो कि प्राकृतिक अवस्था में गिवन है। अब गामा डी मैक्स ज्ञात करना है, सॉरी ई मैक्स ई मिनिमम ज्ञात करना है, ई मैक्सिमम ज्ञात करना है। ठीक है, तो गामा डी इक्वल टू होता है, एक फार्मूला ध्यान रखेंगे यहाँ पर, गामा डी होता है गामा अपान गामा बी या गामा अपान 1+W रोडी इक्वल टू रो अपान 1+W एक होता है तो ई यानी ई 1+W अरे ई फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर गामा डी इक्वल टू जी प्लस ES, तो S के जगह वन पुट कर देते हैं तो G अपॉन 1+E इनटू गामा डब्ल्यू होगा। ठीक है, अरे यहाँ पर वही गामा डी जो गामा का फार्मूला लगाते थे, गामा G प्लस ES, तो G के जगह G पुट करेंगे, ES के जगह पर G प्लस ES, ES के जगह पर S की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी क्योंकि यहाँ पर ड्राई है, इनटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे, एक बार इस पर अप्लाई कर देंगे, एक बार इस पर। ठीक है, तो गामा डी मैक्स याद करना हम लोग को, तो गामा डी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा जी, तो जी की वैल्यू हमें पता है 2.65 अपॉन 1+E, तो 1+E ई को कैलकुलेट करने वाले हैं, ई को कैलकुलेट करने वाले हैं, एन ई मैक्स पता करने वाले हैं, इनटू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू की वैल्यू होगी 1 ग्राम पर सीसी में गिरा है, और गामा डी मैक्स ये इसकी वैल्यू हमें पता है, क्या पता है 2.25। ठीक है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। ठीक है, चाहे नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं 2.25 इक्वल टू 2.65 अपॉन 1+E max। ठीक है, ई मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इधर भेज देते हैं नीचे। ठीक है, तो वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करने के बाद में
2.65 अपॉन 2.25, ठीक है, तो ये आ जाएगा वैल्यू 1.45, माइनस 1 कर देंगे तो E की वैल्यू जो हमें मिल रही है, E की वैल्यू है, E मैक्स की वैल्यू जो मिल रही है एक दूसरे के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी बढ़ेगी, यानी कि ये मिनिमम यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, E भी मैक्स नहीं मिन मिल रहा है, जब मैक्सिमम वाले पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ पर मिनिमम मिलेगा हमें, ठीक है, जब यहाँ ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, तो ध्यान रखेंगे ये मिनिमम है। यूनिवर्सिटी पर प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है, कि जब उसकी वैल्यू बड़ी होगी 2.25 माइनस 1 तो हो जाएगा ये 0.1777 यानी 1.0178, ठीक है, ये ई मीन है। अब यहां पर गामा डी मीन की वैल्यू पुट करते हैं, गामा डी मीन की वैल्यू पुट करते हैं 2.65 हो जाएगा अपान एन जी अपान 1 प्लस ई, तो यहां पर जब ये मिन है तो ये मैक्स हो जाएगा, ठीक है, ये मैक्स ज्ञात होगा हमें, ठीक है, इनटू गामा डब्ल्यू, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 हुई, और अब जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं गामा डी मिनिमम की वैल्यू है 1.5 इक्वल टू 2.65 अपॉन 1 प्लस ई मैक्स, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद में ई मैक्स की वैल्यू आ रही है 2.65 अपॉन 1.5 माइनस 1, तो आ रहा है यहाँ पर 0.767, ठीक है, तो ये हो गया ई मैक्स की वैल्यू, ई मैक्स की वैल्यू है ये ई मिन की वैल्यू है, और ई नेचुरल की वैल्यू ये याद कर लिए हैं, यानी कितना ये, ठीक है, अब इनकी वैल्यू तो क्या करेंगे पुट कर देंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे आंसर याद कर लेंगे यहाँ पर, तो सबकी वैल्यू को जो भी कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ई मैक्स की वैल्यू आई है 0.767 माइनस ई नेचुरल आया है, नेचुरल की वैल्यू है 0.667 आया है, और ठीक है ई मैक्स की वैल्यू है 0.767 माइनस ई मिनिमम की वैल्यू है 0.178 आ रहा है। अब यहाँ पर सिंपलीफाई करने के बाद में आईडी की वैल्यू यानी डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आ रही है 0.767 माइनस 0.667 अपॉन 0.767 माइनस 0.178, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.169 आ रहा है, 977, यानी कि यहाँ पर 0.70 आ जाएगा वैल्यू, 0.170 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और इसके फेज डायग्राम पे काफी क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं, ठीक है, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी सुना जी।